तो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका ऋतिक मुंडीर। गाइज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंडीर टेक। तो गाइज आज आप मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल के बारे में। तो जीमेल आप एक लाइसेंस की तरह माने। तो गाइज अगर आप चलाते हैं बाइक या कुछ भी वाहन तो आपको पड़ती है लाइसेंस की ज़रूरत, इसलिए इसी तरह अगर आप चलाते हैं गूगल को तो आपको पड़ती है जीमेल की ज़रूरत। अगर आप गूगल चलाते हैं तो आपको जीमेल की हर जगह खबर ज़रूरत पड़ती है। तो इसे मैं यूज करना और इसे कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो में आप वाला हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पहले तो अपना ब्राउज़र खोल लेना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जीमेल। जीमेल टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। अगर जब आपका ये अगला पेज खुलेगा तो आपके पास नीचे की ओर जाकर आपको ये साइट दिखेगी www.google.com, ऊपर की ओर जीमेल दिखेगी, तो आप इस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपके पास ये पेज खुलेगा नॉर्मल सा, तो आपको इस साइड की ओर साइन इन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर देना। ध्यान से देख लीजिए। क्लिक करने के बाद जब आपके पास अगला पेज खुलेगा तो आपको नीचे जाना होगा, सबसे नीचे। चलिए हम चलते हैं सबसे नीचे की ओर। जाकर आपको ये दिख रहा होगा करंट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपको यह एक पेज खुलेगा, तो आपको इसमें पहले तो अपना नाम भरना होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम है ऋतिक, तो मैं अपना यहाँ पर ऋतिक टाइप कर देता हूँ। ऋतिक टाइप कर देता हूँ तो नीचे मेरा लास्ट नेम है पुंडीर, जैसे कि मेरा नाम ऋतिक पुंडीर है। ऐसे अगर आपका कुछ भी है, कुमार है, आप नीचे लास्ट नेम में लिख दीजिए। और आपको यूजर नेम पर ध्यान रखना होगा, अपना नाम, और आपको कुछ ऐसे वर्ड लिखने होंगे जो और कहीं पर ना हो। जैसे कि मैंने लिखा है ऋतिक पुंडीर 188, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, अपना नंबर लिख दीजिए बाद में 3 अंकों का या 4 अंकों का। तो आपके पास नीचे की ओर जब पासवर्ड भरेंगे, आपको 8 अंकों का पासवर्ड भरना होगा। पासवर्ड देने के बाद आपको नीचे की ओर वही पासवर्ड कंफर्म, मतलब कि वही ऊपर ले जो आपने ऊपर पासवर्ड भरा है उसी वही नीचे आपको पासवर्ड देना होगा। चलिए हम नीचे जो ऊपर पासवर्ड दिया है वो नीचे पासवर्ड दे देते हैं। दे देने के बाद आप नीचे की ओर जाकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये अपने आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। अगर आपका कोई जीमेल अकाउंट है तो आप उस पर नहीं दीजिए जिस पर आप नया नंबर हो आपका, जिस पे कोई भी जीमेल अकाउंट ना बना हो उस नंबर को यहाँ पर भर दीजिए। आपको पहले कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, मेरी ऑलरेडी इंडिया है तो मैं अपना फ़ोन नंबर भर देता हूँ। चलिए मैंने फ़ोन नंबर भर दिया है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS पहुँचेगा जो आपने नंबर भरा है। चलिए हम वो SMS जो आया है हमारे उस पर उसे यहाँ पर भर देते हैं। आपको SMS का जो कोड आया है उसे भरने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा नीचे की ओर जाकर। देखिए हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं और आप देख लीजिए मेरी ये जीमेल। अगर आपसे कहीं भी जीमेल मांगे आपकी तो आपको जो आपने भरी है ऋतिक, जैसे कि मेरी ये जीमेल है ऋतिक पुंडीर, ये भरनी होगी। तो अब आप नीचे की ओर जाकर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। ध्यान रखिए अपनी आप अगर आपकी 18 साल उम्र हो तो आप उसे ये भरिया नहीं था, मैं तो बता दे रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी भर दीजिए। जैसे कि मैं मार्च 22 और 2000, आपको ध्यान रखना होगा आपको 1900, मतलब कि आपकी 18 साल एज ऐसी भरनी होगी जिससे आप 18 साल के लगे। देखिए मैंने भर दिया 1999 भर देता हूँ, 98 भर देता हूँ, तो मैंने भर दी। आपको ध्यान रखना होगा आप कृपया अपनी 18 साल की एज भरे। अब यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं,
आप फीमेल हैं तो आप फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, मेल हो तो मेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये मांगेगा, तो आपको सबसे नीचे जाकर स्किप पर क्लिक करना होगा। स्किप पर आप क्लिक कर दीजिए। स्किप पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास ये एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, आप सबसे नीचे जाना होगा आपको। चलिए हम सबसे नीचे चले जाते हैं, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे की ओर जाना होगा। चलिए हम सबसे नीचे चले जाते हैं। चलिए, और आपको यहाँ पर आईग्री एंग्री पर क्लिक कर देना होगा। एंग्री पर क्लिक करने के बाद हमारा अगला पेज खुलेगा। अब तो अगला पेज हमारा जीमेल खुल जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है, तो देखिए हमारा जीमेल का पेज खुल चुका है। अगर आप पर आपने कहीं जीमेल भर गई और वो वहाँ पर आप पर लिखा आया है कि आपकी जीमेल पर हमने मैसेज मेल कर दिया है, तो आपको यहाँ इनबॉक्स में मिल जाएगा। देखिए मैं अब बता देता हूँ आपको कैसे यहाँ पर जीमेल पर आना होगा। तो हम बैक कर कर मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए मैं आपको पहले तो ये मैसेज दिखा देता हूँ जो हमें गूगल की तरफ से आया है। आपका न्यू अकाउंट खुल गया है, देख सकते हैं आप। गूगल की तरफ से हमारा मैसेज आया है और आपको अब देखना होगा। तो गाइज आपको देख लीजिए, जो हमारी ये जीमेल है मैं इसे क्लियर दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी जीमेल है ritikpundir188@gmail.com। अगर आपसे कहीं मेल जीमेल मांगे तो आपको यही भरनी होगी, ध्यान रखिए। तो अब मैं इसे अब चला कर दिखाऊँगा कि आप कहाँ से चलानी होगी आपको जीमेल। तो अब मैं बैक कर लेता हूँ। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। तो बैक करने के बाद आपको फिर से ब्राउज़र खोलना होगा। जब आप आपकी जीमेल पर मेल आए तो जीमेल पर आपको यहाँ पर गूगल पर लिखना होगा जीमेल, और सर्च पर क्लिक कर देना होगा और नीचे की ओर जाकर इस साइट पर जाना होगा। अब मैं क्लियरिटी दिखा देता हूँ। www.google.com आप ऊपर की ओर होगा जीमेल, तो और आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देख लिए हमारी जीमेल खुल चुकी है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।